हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। बोलते मुझे पता नहीं आएगा तब तू कर देता बस। हम लोग अब चोरी नहीं करेंगे तो हमको परवड़ता नहीं है। दूसरे वाले का उसने एंट्री किया लेकिन राशन दिया नहीं उसने। एक कचड़ा देता और तीन वाले की एंट्री टको। उस पे एंट्री चढ़ा देता है, बोलता है क्या तुम्हारा ऑनलाइन है ही नहीं। तो बोलता है कि हाँ ठीक है मिल जाएगा लेकिन किसी को बताओ मत। राशन कार्ड पे लिखता है वो किसी को समझता नहीं है, लिख के दे देता है, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा दे के भेज देता है। आज क्या बोलता है मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलता है वो लड़के को लेके आओ यहाँ पे तो ही राशन मिलेगा। ये बोले इन लोग क्या करते हैं आप पर ये डाल रहे हैं। आप करते क्या काला गाड़ी नहीं। अभी क्या बोलोगे आप, कहीं कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है तो कहीं राशन की चोरी की जा रही है। क्या आप लोगों की कमजोरी है आप लोग कार्रवाई दुकानदारों पर नहीं कर पा रहे हैं। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम भोलेनाथ नगर में और आपको बता दें कि जिस तरह से मुंब्रा शहर में राशन के दुकानों पर मामले सामने आ रहे हैं, कहीं कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है तो कहीं राशन देने वाले पर चोरी का आरोप लग रहा है। इसी तरह से एक मामला सामने आया है भोलेनाथ नगर में, आपको दिखा दें ये वो दुकान है शाह वेल भाई भूरा और इस दुकान के जो मालिक है उनका नाम है पंकज। जो महिलाएं यहां पर आती हैं राशन लेने के लिए उन महिलाओं ने इस राशन दुकानदार पर जो है आरोप लगाया है कि वो उन्हें राशन देता नहीं है और उसके बाद भी जो है उनके राशन कार्ड पर एंट्री कर देता है। कहीं ना कहीं ये चोरी का मामला जो है ये महिलाएं बता रही है कि ये दुकानदार जो है राशन की चोरी करता है। जिसके बाद आज यहाँ पर जो है गणेश मुंडे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, ये जो दुकानदार है इसके पास आए, जिसके बाद फिर राशनिंग ऑफिसर जो गागुडे साहब है उनको भी बुलाया गया। इस दौरान महिलाओं से भी हमने बात की है वो भी आपको सुनाएंगे और गागुडे साहब से भी बात की है कि जिस दुकानदार पर चोरी का आरोप लग रहा है उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और दुकानदार जो है पंकज उससे और जो उसके इधर काम करता है जो लेबर जो राशन वजन करके देता है उससे भी हमने बात की है। ये लोग जो है सवालों पर एक दूसरे पर किस तरह से टाल मटोल कर रहे हैं ये सब हमारे इस खबर में देखें कि किस तरह से मुंब्रा शहर में राशन दुकानदार जो है धांधली कर रहे हैं। ये जो राशन की दुकान है यहाँ से आप लोगों को क्या तकलीफ है, राशन नहीं मिल रहा है, क्या है पूरा मामला? सर लास्ट मंथ में 12 किलो चावल का इसने फ्री वाला एंट्री किया है लेकिन दिया नहीं है और 6 महीने से जब से वो फ्री वाला चालू है तब से 1 मंथ में भी दाल उसने दिया नहीं। फ्री का जो दाल रहता था एंट्री करता था उसका लेकिन देता नहीं था। नहीं 4 महीने से उसने एंट्री नहीं किया था लेकिन लास्ट मंथ में ये 4 किलो दाल का और इस महीने के 1 किलो दाल का 5 किलो दाल का फ्री वाले का उसने एंट्री किया लेकिन राशन दिया नहीं उसने और चावल का भी एंट्री किया लेकिन दिया नहीं। क्या नाम है दुकानदार? दुकानदार का नाम तो शाह वेलपर भाई। हाँ वो नहीं रहता है, वो लोग हमेशा चेंज होते रहते हैं और फिर नहीं मिलता है। वो बोलता है कि जो कोई नया आता है तो वो बोलता है कि वो पिछले वाला था उसने गड़बड़ किया है मुझको नहीं पता, ऐसे ही चेंज होते रहते हैं और ऐसा ही होता रहता है। इसको बोलना नहीं बोलता। हाँ वो कभी दिखाओ उसको तो लास्ट मंथ में मैं आया था दिखाने के लिए तो बोलता है कि हाँ ठीक है मिल जाएगा लेकिन किसी को बताओ मत। और फिर हम लोग आए तो बोले कि अरे किसी को मिला नहीं है तो बोलता है नहीं नहीं किसी को नहीं मिलेगा, वो अब आया ही नहीं है तो कैसे मिलेगा, हर महीने में ऐसे बोले तो बोलता है कि आएगा तब मिलेगा ना, बोलता है कि गलती से चढ़ गया। हाँ मैं बोला कि एंट्री के हिसाब से यानी आप लोग को राशन नहीं देता। हाँ। और जो आपके पास राशन कार्ड है उस पे लिख कर दे देता है और बोलता है गलती से चढ़ गया नेट पर। गेहूँ भी नहीं दिया, हम लोग क्या करे, बोल बोल के हम लोग परेशान हो जाते हैं। एक पैसे वाला आले ना, पैसे वाला बराबर एक तांदूळ देतो आणि फ्री वाला आणि पैसे वाला तांदूळ एकच वेळा तीन तीन वेळा देतच नाही, एकच वेळा देतो आणि 3 वेळाची एंट्री टाकतो।
वो राशन कार्ड पे लिखता है वो किसी को समझता नहीं है, लिख के दे देता है, इन लोग को थोड़ा थोड़ा दे के भेज देता है। पैसे वाला बराबर देगा, फ्री वाला नहीं देगा, पैसे वाला भी इधर एक टाइम दाल भी नहीं देता है, दाल नहीं कुछ नहीं। क्या क्या देता है? क्या क्या देता है? उसने दो महीने दो फ्री वाला दो बार हम लोग को नहीं दिया इसने। और शक्कर अभी ये टाइम शक्कर आया था तो 20-20 रुपए एक किलो के पीछे लिया। मेरे को बोलता है तुम्हारा खारडी का है ना, तो तुम खारडी में जाके शक्कर लो, इधर नहीं तुमको मिलेगा। अभी गेहूं का भी एंट्री किया है, चावल दिया है, गेहूं का भी एंट्री कर दिया है उसने, नहीं देता है। लाइन लगा हुआ इधर बोलता है, पूछने आओ तो बोलता है कब आएगा तब लेके चले जाओ, ऐसा बोलता है। बोलता है मुझे पता नहीं आएगा तब दूंगा, देता है बस यही बोलता है। आधा नहीं देता है, आधा भी नहीं देता है, राशन कार्ड ले लेता है, उस पर एंट्री चढ़ा देता है, बोलता है क्या तुम्हारा ऑनलाइन है ही नहीं। अरे कभी पूछेंगे ना, देखो मशीन में ऑनलाइन हुआ, ऑफिस में जाके पूछ के ऐसा बोलते हैं, ऑफिस जाओ हमारे पास नहीं आया, ऐसे हुआ है मेरे पास, मेरा का नाम है इसमें। आज क्या बोलता है, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलता है कि वो लड़के को लेके आओ यहाँ पे तो ही राशन मिलेगा, लड़की का है उसको लेके आओ तो ही राशन मिलेगा, सात जन पूरा लाओ तो राशन मिलेगा, सात जन सात जन क्यों, एक अंगूठा लगा के आप ले सकते ना जिसका नाम है। तीन महीने से हम मेरे को राशन नहीं दिया, मैंने तो मेरे को राशन दिया नहीं, बोलते तुम्हारा अभी ऑनलाइन नहीं हुआ। मैं बोली चेक करो उसमें मशीन में, अगर ये मशीन चेक कौन करेगा, उन लोग करेंगे ना, हम तो कर नहीं सकते। जो राशनिंग ऑफिस है यहाँ पर, आप लोग वहाँ पर कभी गए शिकायत लेकर? नहीं, वहाँ लोग शिकायत क्या, ये मांगता कभी आधार कार्ड दो, कभी पैन कार्ड दो, कभी बैंक के पास जमा करवाया, दो तीन बार जमा करा, एक बार नहीं। ये यहाँ का इनका हमेशा का लफड़ा है, हम लोग ने बहुत बार इनको कंप्लीट किया, समझाया, लेकिन इनका यही चलता है कि ठीक है दादा हम करते हैं, ठीक है दादा हम करते हैं। आए दिन ऑफिस पे चार पांच लोग डेली आते हैं कंप्लेंट लेकर, ये लोग एंट्री पास इस पे बुक पे एंट्री करते हैं, लेकिन इनको राशन नहीं मिलता, बाद में आओ, बाद में जब आता है तो राशन नहीं, और यही करते करते 8-10 दिन निकल जाता तो एंट्री वैसी रह जाती है, लेकिन इनको राशन नहीं मिलता। आज भी यही ऐसे ही हुआ है, तो जो दुकान में बंदा काम पर जॉब पे है उसको हमने पकड़े, उसको पूछा तो उसने कबूल कर लिया कि हम लोग करते हैं चोरी, और उसका बोलना ऐसा है कि हम लोग अब चोरी नहीं करेंगे तो हमको परवड़ता नहीं है, जो शॉप का रेंट का जो देना है रेंट देना है, फिर हमको कुछ बचेगा नहीं, ये सब इनका बोलना है। क्या नाम है आपका? मुन्ना। क्या जो महिलाएं बता रहे हैं कि आप लोग राशन की चोरी करते हो, लिख कर दे देते हो, चढ़ा देते हो उस पे, लेकिन इनको राशन नहीं देते? सर जो माल आता है हम वहाँ चढ़ा कर दे देते हैं, जो नहीं आता है हम उसको नहीं चढ़ाते हैं। जैसे तो बोल रहे हैं कि इस पे जैसे, जैसे लिख दिया गया कि वो दिया गया कि वो मिला ही नहीं। सर एक मिनट देखिए सर, इसमें शक्कर, इसमें शक्कर आया है, शक्कर दिए हैं तो शक्कर लिखा है, यस मैंने शुगर 12 तारीख को 12वें महीना इसमें दिए हैं तो इसमें लिखा है। और जो दिए नहीं लिख दिए उसका, जो दिए नहीं और लिख दिए उसका क्या है? जो दिए नहीं, जो सामान आप दिए नहीं उन लोगों को और लिख दिए, वो लेडी आई थी उन्होंने उनको आप गेहूं दिया है, चावल नहीं दिया पर एंट्री किया, उनका क्या? सब कुछ एंट्री हो गया उनका क्या? और ये ऐसा जो, लिखता जो, है कि कुछ जो तेरी सुबह सुबह में जो तेरी चोरी पकड़ी गई है, जो कार्ड पे तूने एंट्री कराया लेकिन उनको चावल दिया नहीं, और उसके बाद तूने जो सामने सबके आया उसके बारे में बता, उसके बारे में बता कि उसका क्या करने का, और ऐसा क्यों? जो खुद एक्सेप्ट किया हो बोल दे, चावल जो नहीं दिया लोगों को और राशन कार्ड में एंट्री कर, और आज सबके सामने तू बोल तुम लोग चोरी करते थे कि नहीं, जो है वो बोल दो, चोरी किया क्या नहीं, क्या चोरी किया? आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जो किए हो वही बताओ, आपको कोई डरा नहीं रहा है, कोई धमका नहीं रहा है, आपने जो किया है जो महिलाएं कह रही हैं, क्या ऐसा हुआ है यहाँ पर? जी अब ऐसा ही होता है, होता है क्या? आप क्या किए हो बता दो, आपको कोई चोरी करने बताया आपका? चोरी करते हो दुकान के ऑनर है वो कहाँ रहते हैं? जी सेठ को पता है ना सब, आप जो चोरी करते हो सेठ को, सेठ भी उसमें शामिल है, शामिल है ना? कहाँ रहते हैं दुकान के ऑनर जो, कहाँ रहते? वो तो साहब मेरे बुडुम्बे वाले शायद रहते हैं। क्या नाम? पंकज। पंकज ना, पंकज भंसावत। उनको बताया यहाँ ऐसा ऐसा मामला हुआ है, सामने आया है? वो थे, वो खुद सुबह में यहाँ पे मौजूद थे जब हुआ, तो आप भाग गया?
वो भाग गया छोड़ी मेरे वजह से कैसे बाहर आ गया। हर महिला को तू दे ही नहीं रहा है, उस पर लिख चढ़ा दे रहा है, कारण पे चढ़ा दे रहा। मैंने दिया चावल दिया तो गेहूं का भी चढ़ा दे रहा, गेहूं दे रहा तो चावल का भी चढ़ा दे रहा। ये क्या है तुम्हारा, ये क्या? अभी पूरे घर भर 2 किलो राशन के लिए पूरे घर भर आएंगे यहाँ पे अंगूठा देने के लिए, ये बताओ। इससे अच्छा हम नहीं लेंगे वो राशन, हमको नहीं चाहिए। अंगूठा लगाने के लिए कितने लोग की जरूरत पड़ती है? एक आदमी है ना, तो सबको घर भर को क्यों बुला रहे? मैं बोला आप बोले नहीं, लेकिन उन्होंने आपके सामने ही बोले ना, सबको बोला, बोले या नहीं बोले, बोले या नहीं बोले, बस वो बोले बोले हैं। लेकिन मैंने आपको आपने ऑब्जेक्शन लिया नहीं लिए? वो सेठ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई वाह, लेकिन आप सेठ रहे हैं तो हम पब्लिक हैं, हमारे वजह से आपका चल रहा है, हम पब्लिक हैं। उसके सामने बोला ना कि मैं बोला ऐसा बोला? गए महीने का चावल कहाँ है बता दे, जो मुझे बोला वही इधर था मेरे को। गए महीने जो चावल आया था वो किधर है? मैंने बताया आपको 51 गोनी मेरे पास चावल आया था, 51 गोनी मैंने सबको दिया, और फ्री वाला चावल मेरे पास नहीं आया। नवंबर का जो फ्री वाला आना जाया था गवर्नमेंट का, सब राशन की दुकान पे सब पे पास आया, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? सर मुझे वो मालूम नहीं, नवंबर का राशन फ्री वाला मिला या नहीं मिला? नवंबर का राशन क्या मुझे नहीं मालूम सर, वो सेठ को मालूम है, सेठ क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। इनका बोलना है कि नवंबर का राशन हमारे पास आया ही नहीं, जबकि सब पूरे चावल नहीं आया, चावल नहीं आया था, गेहूं आया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं लिया? गेहूं तेरा चेहरा जो आया गेहूँ दिया था, खाली एंट्री कराते राशन नहीं देते। दिसंबर के बोल रहे गेहूँ दिया गया, नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है, दिया नहीं गया, कोई नहीं बोल रहा है दिया गया, सबको मिला है, बाकी अब किसी से पूछ लो सबको दिया है। और मैं ये दिखा रहा हूँ कि 400 इनके पास 400 रेशन कार्ड है, और इनके पास स्टॉक देखो कितना है, ये 400 लोगों को क्या बांटेंगे? खाली चावल है, गेहूँ नहीं है, शक्कर नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। दुकान मेरी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप यस। राशन चोरी करते हैं आप लोग? नहीं सर, आया है ऐसा हम बांट रहे सब। आप उन लोग का कहना है कि आप जो है राशन दे नहीं रहे हो, एंट्री कर देते हो? आदमी तो बता रहा, आपका आदमी तो बोल रहा है सामने कि हम लोग चोरी करते हैं। नहीं नहीं साहब, करते हैं वो कांटे वाला है साहब, उसको क्या मालूम नहीं कांटे वाला? आप बोल रहे मारो, वो कांटे से बराबर वजन करके दे रहा है, आप बोल रहे मालूम? हम बाहर जाते अभी इन लोग क्या करते हैं, हम इधर पूरा दिन नहीं रहते। एक मिनट एक मिनट, ये बोल रहे इन लोग क्या करते हैं, आप पर ये डाल रहे हैं, आप करते क्या कालाकांडी? सच बोल नहीं, नहीं? नहीं। अभी क्या बोलोगे आप? ऐसा तो सर ऐसा होता ही नहीं है, अभी दुकान भी टाइम पे खुलता है सर। नहीं, औरते ऐसा हो ही नहीं सकता सर जी। वो लोग बोल रही है कि जो है आप बिना राशन दिए एंट्री करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। अभी देखो ऐसा हो ही नहीं, घर से जाके एंट्री कैसा हो नहीं सकता, इसीलिए तो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम सर जी ऐसा कर रहे ही नहीं है। आप अंगूठा नहीं बोलते, 7 लोग हैं तो 7ों को लेके, 7ों का अंगूठा नहीं, अंगूठा RC नंबर डिटेल उधर से उनको बोला भी हम लोग ने कि तुम इधर आधार कार्ड हमको लाके दो, हम करवा के देते, इतना भी हमने बोला है। इतना आप बोलते हो, लेकिन आप ये भी कर रहे हो कि एक महीना राशन दे रहे हो? नहीं ऐसा नहीं, महीने पे उनको बोल दे रहे हो कि आपका ऑनलाइन नहीं हो सकता है सर। अरे हर महीने बोल रही है, और कितनी औरतें झूठ बोलेंगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतनी औरतें झूठ बोलेंगी क्या? ये आपका जो दुकान नहीं जो एक आइए यार, आइए आप इधर आइए। क्या ये कह रहे हैं कि हम राशन नहीं चोरी करते हैं? नहीं चोरी तो करते होंगे, जब भी तो राशन नहीं मिल रहा ना, 4 महीना हो गया ना मेरे को मिला ना भाई को, अभी सबका दोनों का राशन कार्ड, पहले जगदीश साहब बराबर राशन वासन देता था, अभी ये बोलते नहीं आपका अपडेट कराना पड़ेगा, ये करा बोलता भलता ही नाम आता है। कितनी बार अपडेट होता है राशन क्या कार? राशन कार्ड इनका आधार कार्ड लेके दिखाएगा सर जी, तो ऐसा होगा आधार कार्ड वगैरह सब आधार कार्ड दिया रहेगा तो सर जी उधर से नहीं हुआ रहेगा। NPH हमें, मेरी बात सुनो, NPH माल मतलब 8-12 वाला माल हमारे पास नहीं आया है, 100 किलो गेहूँ आया है हमारे पास खाली, वो ऑफिस में एंट्री है। लेकिन गेहूँ है किधर आपके पास? गेहूँ भी आएगा ना सर जी, कल आएगा ना,
अभी चावल बांटेगा आपको, आपको मैं राशन कार्ड भी दिया उनको, राशन कार्ड का जेरोक्स दिया, आधार कार्ड का जेरोक्स दिया, सब कुछ दिया। तो बोले अभी हो जाएगा, ये टाइम पे मिलेगा, ये टाइम पे मिलेगा। अभी तक 4 महीना हो गया ना, मेरे भाई मेरे को मिला ना, मेरे भाई लोग को राशन कार्ड कुछ भी नहीं मिला, ना फ्री वाला मिला, ना पैसा, ना फ्री वाला मिला, ना पैसा वाला। ये आपका आपके इधर इनका राशन है क्या? अभी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। राशन कार्ड सामने आइए, इनका राशन आपके इधर है। अभी राशन कार्ड ऐसा सबको हम नहीं पहचानते। फ्री वाला राशन आपको मिला? नहीं, फ्री वाला भी नहीं, कार्ड वाला भी नहीं, कौन सा भी राशन नहीं, चार मिले। अभी उनका 8-12 वाला मिलेगा सर, तो हम नहीं देख पाएंगे। 8-12 वाला नहीं, 2-3 वाला है। तो आ जाओ कार्ड लेके देखते हैं हम लोग। अभी तुम आओगे इधर 4 महीने से 40 राउंड मारा उसने। मैं क्या बोलता, हमारे पास आएगा सर जी तो होएगा ना। चार महीने से आपके पास आ रहा है, 2 राशन कार्ड पे, 1 बार भी राशन नहीं मिला। और पहली बात तो ये है कि ये बंदा दुकान पे बैठता नहीं है, ये तो रहते नहीं। आप बैठते नहीं हो तो आपको मालूम कैसे है? क्या सर जी, मैं इधर ही बैठता हूँ, माल बांटने में ही आता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं रहता अभी तो आप बोल रहे हो कि दुकान पे वो रहते हैं। भाई कितनी टाइम आएगा इनको? फर्स्ट टाइम अभी आपने कैमरे पे कहा कि मैं दुकान पे नहीं रहता हूँ, ये लोग रहते हैं, ये लोग समझे। अभी अभी आप बोल रहे हो मैं बैठता हूँ, इधर बैठते आपने तो बोला ना मैं नहीं बैठता। मैं आपके इतने दिनों में आज फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ इधर पे दुकान पे। अच्छा, अभी तक इनको दुकान पे कभी देखा ही नहीं मैं इनको इधर। सर मुझे एक जांच, कितने बार आया हूँ ना मैं राशन कार्ड लेके इधर, अभी तक इनको देखा ही नहीं। बोले झूठ बोल रहे क्या? ऐसा जी, मैं इधर आता हूँ टाइम पे माल बांटने के लिए, सबको पूछो, सामने किराने की दुकान उनको पूछ सकते हो। मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के आते हैं, मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के आते हैं। जो कोई राशन कार्ड वाला ऊंची आवाज में बात करता है उनको बोलते हैं कि आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी 5-5 महीना कार्ड के ऊपर एंट्री नहीं हुआ, फिर पता चला कार्ड लॉक हो गया, तो फिर उसका क्या करने का? कार्ड लोग कैसे होगा? आप आधार कार्ड लेके शाम को आ जाइए, हम करके देंगे तुम्हारे को। अभी बोल रहे ना, नहीं नहीं सर, इधर आधार कार्ड आया, अभी बोल रहे ना, ऐसा अभी ऑनलाइन हो गया। आप जब तक, अरे ये भी बात सामने आ रही है, सुनिए सुनिए, आप एक महीना, एक मिनट सुनिए, आप एक महीना राशन देते हो, दूसरे महीने में बोल देते हो आपका ऑनलाइन नहीं है। ऐसा नहीं होएगा सर जी, अब आइंदा आप ऐसी हरकत यहाँ पर करेंगे नहीं होएगा। जो यहाँ पर राशन जिनको मिलता है उनके साथ आप व्यवहार सही करेंगे, राशन उन्हें सही देंगे आप? ओके सही मिलेगा, हमारी गारंटी इतना। पिछला जो 2-4 महीने राशन नहीं मिला वो भी देना है पब्लिक को। और दूसरी बात ये है कि आधार कार्ड लिंक करने के लोग 100 रुपीज देते हैं, जबकि वो फ्री है, पैसे ले रहे हैं। आपके लेते नहीं लेता, पैसा नहीं लेता किससे भी, फ्री वाले अनाज का पैसा नहीं लेता है हम। कोई आधार कार्ड लिंक कर, नहीं नहीं 1 रुपया भी नहीं लिया, जगदीश का बात नहीं कर रहे हम, हमारा हम 1 रुपया किसका ऑनलाइन कराने का भी नहीं लेते सर जी। इतना भी हम गारंटी से बोलते रहते हैं कि हम ऑफिस में फॉर्म 20 देके आए, अभी जिसको अनाज नहीं मिलता है उसका चालू कराने के लिए। सर क्या नाम है आपका? किरण गंगोडे, रेशनिंग इंस्पेक्टर, मुंबई ऑफिस। सर जिस तरह से ये ऐसे दुकानदारों पर इल्जाम लग रहा है, और इन्होंने चोरी की बात भी कबूल की है कि हम राशन जो है चोरी करते हैं, अभी सामने बताया, हम उसका छानबीन करेंगे, इंस्पेक्शन लेंगे, पब्लिक से भी पूरा पूछताछ करेंगे, क्या अनाज मिला क्या नहीं, फिर जो भी उसने ऑफर किया रहेगा ऊपर के ऑफिस में हम भेज देंगे, फिर वो एक्शन लेंगे आगे। नवंबर महीने में फ्री का राशन आया था, वो भी नहीं दिया गया, इनके तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ गेहूं आया था। राशन तो अभी 24 तारीख बिना लोगों को राशन दिए ये लोग एंट्री मार देते हैं। अभी चेकिंग में समझेंगे ना, इंस्पेक्शन में पता चलेगा क्या किया क्या नहीं उसका। कहीं जो राशनिंग अधिकारी है इनकी भी लापरवाही है, जो इस तरह से ये दुकानदार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कहीं कीड़े वाला राशन दिया जा रहा है तो कहीं राशन की चोरी की जा रही है। क्या आप लोगों की कमजोरी है, आप लोग कार्रवाई दुकानदारों पर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, जरूर कार्रवाई करेंगे, अभी सामने बोला है, वो छूटेगा नहीं कुछ भी नहीं, और राशन कभी खराब आता तो अपन बदल देंगे और सब पब्लिक को देंगे नहीं, कभी ऊपर से गोडाउन से माल ऐसा खाने लायक नहीं आया तो हम चेंज करके दे। अभी ये जो जिन दुकानदार है इनका जो है इन पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी वो छानबीन में पता चलेगा, इंस्पेक्शन में पता चलेगा इसने कितना माल लाया क्या लाया, पब्लिक को दिया क्या नहीं, पब्लिक से भी हम पूछेंगे मिला क्या नहीं, वो हिसाब से आपने सामने आएगा इसने क्या किया। अच्छा, महिलाएं जो यहाँ पर थी, उन लोगों ने बताया है कि इसे एक राशन कार्ड पर अगर 4 से 5 सदस्य का नाम है तो ये लोग कहते हैं कि पूरे घर को लेके आओ, जितना नाम है तब मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी का जिसका अंगूठा लगता है वो आदमी इधर चाहिए, उसके बाद ऐसा बोलते हैं ना। अभी अंगूठा अभी 5 लोग है इसमें, थम लग जिसका लगता है वो आना चाहिए खाली सामने, लगने के बावजूद भी बोल रहे हैं सबको लेके आओ। नहीं फिर अपन चेक करेंगे ना, अभी जिसको जिसको बुलाए आप लेके आओ, हम मशीन पे चेक करेंगे उसका थम आता क्या। वो एक्सेप्ट
हम एक्सेप्ट होने के बाद भी इनका कहना ऐसा है कि जो सात मेंबर है सातों जन को यहाँ पे लेकर आओ। नहीं नहीं, सातों लोगों को क्यों बुलाते हम? नहीं औरतें बोल रही है ना, बाहर तो बोल रही है। जिसका जिसका जीरो रहता है सर, उनको हम लोग बुलाते अपडेट करने के लिए। अभी सात लोगों का नाम दिखता है कार्ड में, सात लोग है, लेकिन पूरा आधा सीडिंग नहीं हुआ रहेगा, जीरो जीरो उस पर बताते रहेगा, तो हर मेंबर को एक बार आना पड़ेगा थंब लगाने के लिए। जब एक लेडीज ने बताया कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनका वहाँ पे तो एडजस्ट करना चाहिए ना, तो इनका बोलना है कि उसको भी लेकर आओ। वो पेंडिंग रखने का, जब आएंगे वो तो आप एडजस्ट करना चाहिए ना। वो बोले कि आपका प्रॉब्लम आप करो, ठीक है, मैं उसको वार्निंग देता, जो भी रहेगा वो अपन सामने लाएंगे, ऊपर के ऑफिस में भेज देंगे उसका जो भी रहेगा। तो क्या माना जाए, जिस तरह से पूरा मुमरा शहर में आप लोग सर्वे भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें आ रही है, नहीं जा रहे हैं किसी भी दुकान पर, कैसा मटेरियल है, कैसा राशन दिया जा रहा है, तो ऊपर से गवर्नमेंट क्या आता है, कुछ अभी गेहूं आया तो अभी चावल नहीं है, शक्कर यहाँ की ऐसे औरतें बताएं कि चावल गेहूं यहाँ से लो और शक्कर दूसरे दुकान पे जाओ लेने के लिए। शक्कर यहाँ से मिलेगी, सबको यहाँ से मिलेगी, जितने कार्ड है सबको मिलेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो राशनिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि जो ये दुकानदार है इस पर जो है इनके सुधार करने के लिए इनसे बात कहेंगे, अगर वो इसमें सुधार नहीं लाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन यूसुफ पुरी के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।